नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं वीके शुक्ला, आप सभी सम्मानित सदस्यों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज व्यवस्था और दूसरा शब्द मिलता है संविधान। राज व्यवस्था और संविधान, ये दो शब्द मिलते हैं, कहते भारतीय राज व्यवस्था और संविधान पढ़ना है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, है ना। देखिए, संविधान हमारा क्या है, संविधान हमारा सिद्धांतों का समुच्चय है, सिद्धांतों का समुच्चय कहलाता है दोस्तों। अर्थात सिद्धांतों का समुच्चय मींस मतलब इसका ये होता है कि सिद्धांत जो है मींस गवर्नेंस के जो रूल्स होते हैं, गवर्नेंस के जो डॉक्ट्रिन होते हैं, वो डॉक्ट्रिन कहां पर दिए गए हैं, वो डॉक्ट्रिन जो है वो भारत के संविधान में दिए गए हैं। लेकिन उन डॉक्ट्रिन्स का, उन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल अनुमोदन, प्रैक्टिकली उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, प्रैक्टिकली उन्हें कैसे लागू किया जाएगा, मींस जो व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है संविधान का, व्यवहारिक अनुप्रयोग, है ना, भारतीय संविधान का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है, मींस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो उसका होता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही कहलाता है राज व्यवस्था। मींस भारतीय संविधान का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है, संविधान क्या है, संविधान नियमों कानूनों के सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय है जिस पर हमारी राज व्यवस्था चलती है, ठीक। तो संविधान क्या है, संविधान सिद्धांतों का समुच्चय है, और राज व्यवस्था क्या है, भारतीय संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग या सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, यदि हमसे कोई पूछ ले कि भारतीय राज व्यवस्था और संविधान आप दो शब्द पढ़ते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो मतलब यहां पर हमने आपको बताया कि सिद्धांतों का समुच्चय संविधान कहलाता है, और उन्हीं सिद्धांतों का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग होता है वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, राज व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और भारतीय संविधान का कैसे धीरे 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 करके, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था और बहुत दिनों तक अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में ही जो प्रशासनिक सुधार किए गए, जो प्रशासनिक सुधार अंग्रेजों ने किए भारत में, उन्हीं प्रशासनिक सुधारों के द्वारा भारतीय संविधान की नींव पड़ती चली गई, उन्हीं के द्वारा धीरे धीरे भारत में सुधार होते गए और भारतीय संविधान का डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग प्रारंभ करेंगे संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। देखिए, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे दो पार्ट में, संवैधानिक विकास। देखिए, एक तो क्या होता था, संवैधानिक विकास का जो दायरा था आपका, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास। एक विकास कैसे हुआ हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में किसका शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और दूसरा होता है विकास का काल जो आता है, वो आता है क्राउन के अंतर्गत या ताज के अंतर्गत, क्राउन के अंतर्गत जो विकास होता है। अभी यार बताते हैं हम कि इन दोनों का मतलब क्या है। भारत में जब अंग्रेज व्यापार करने आए हैं, तो उन्होंने व्यापार जब प्रारंभ किया, तो व्यापार के लिए सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक संस्था थी, उस मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो जब मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था भारत में आई व्यापार करने,
उन्होंने क्या किया, भारत में कंपनी की स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी कानून शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं की गई उसी के द्वारा उनके अंतर्गत। तो यहां पर यदि हम बात करें तो सन 1600 से, ठीक है, 1600 से लेकर 1853 तक का काल, 1853 तक का काल। लेकिन यदि ये 1600 तो पूरा काल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर, लेकिन वास्तविक डेवलपमेंट जो होता है वो होता है 1773 से। तो 1773 से 1853 तक का, और फिर उसके बाद सन 1857 की क्रांति होती है भारत में। इस क्रांति के कारण क्या होता है, इस क्रांति के कारण शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था भारत का, वह शासन यहां से ट्रांसफर होकर चला जाता है क्राउन के पास। मीन्स अब भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था किसके द्वारा देखी जाने लगी दोस्तों, वह देखी जाने लगी क्राउन के द्वारा। तो 1858 से लेकर सन 1947 तक का जो डेवलपमेंट होता है वह क्राउन के अंतर्गत आता है। यहां पर 1857 में क्रांति होती है, जब इन क्रांति के कारणों का पता लगाया जाता है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, तो इनका जो कारण निकल कर सामने आता है, जो चीजें निकल कर सामने आती है, उनसे एक चीज उनको ये स्पष्ट ज्ञात हो गया कि कहीं ना कहीं कंपनी का कुशासन, इस जो व्यवस्था थी कंपनी के कुशासन के कारण जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ही क्या की थी, 1857 की क्रांति के रूप में परिणित हुई थी। ठीक, तो दो काल में हम बांट सकते हैं, 1773 से 1853 तक, और क्राउन के अंदर यदि बात करें दोस्तों तो 1858 से लेकर सन 1947 तक भारत का संवैधानिक विकास होता है। ठीक है, आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमारी जो शासन व्यवस्था रहती है। ठीक है, कंपनी के अंतर्गत शासन व्यवस्था, कंपनी के अंतर्गत शासन व्यवस्था, कंपनी के अंतर्गत शासन व्यवस्था। ठीक है, तो कंपनी के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था रहती है उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और हर एक्ट, जो भी हम लोग एक्ट देखेंगे वो एक्ट के क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कि परीक्षा में किन किन विधियों से प्रश्नों का को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब इस एक्ट को जब लाया गया तो इस एक्ट की कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, या इस एक्ट से कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनसे कमीशन प्रश्न बनाता है या बना सकता है, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस एक्ट के। ठीक है, तो आइए पहले इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु, तो पहला जो बिंदु था इस एक्ट का वो ये था कि यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला कानून था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया प्रथम कानून। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया वह ये पहला कोई ऐसा एक्ट था। दूसरा क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ इस एक्ट के द्वारा, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का
प्रयास किया गया। पहला प्रयास इन्होंने क्या किया कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्यों स्थापित किया जाए? क्योंकि कंपनी में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, भ्रष्टाचार, लालच, ये तमाम प्रकार की कुरीतियां कंपनी में आने लगी थी और इसकी सूचना ब्रिटिश संसद तक पहुंचने लगी थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का इस एक्ट के द्वारा पहला महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास, देखिए आपको मैं पहले बता दूं कि तीन प्रेसिडेंसीज का निर्माण किया गया था। तीन प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? बंबई, मद्रास और कलकत्ता। तीनों प्रेसिडेंसीज का निर्माण किया जा चुका था तो इस एक्ट के द्वारा, और तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने अपने गवर्नर होते थे, तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे और ये जो गवर्नर थे ये गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए कानून का निर्माण कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस एक्ट के द्वारा क्या किया कि मद्रास और कलकत्ता के जो गवर्नर थे, या यूं कहिए कि मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसीज को इन्होंने बंबई के अधीन कर दिया। मींस ये जो दो गवर्नर थे, यानी मद्रास के गवर्नर, मींस बंगाल के अधीन किसे कर दिया गया? बंबई। बंगाल मींस अब कलकत्ता जो है वो बंगाल ही मानी जो है, तो बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को कर दिया गया। किसके अधीन किया गया? कलकत्ता के अधीन, ठीक। इसको आप कलकत्ता कहिए या यही चीज ये बंगाल भी मिलती है, ठीक है। तो यहां पर इस एक्ट के द्वारा क्या किया इन्होंने कि बंगाल की के अधीन जो है बंबई और मद्रास, बंगाल के अधीन किसे कर दिया गया? बंबई और ठीक। यहां पर देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों प्रेसिडेंसीज अलग अलग थी और तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने गवर्नर थे और they are empowered to make law for their own respective residencies, ठीक। लेकिन इस एक्ट के द्वारा इन्होंने ये कह दिया कि ये जो दो प्रेसिडेंसीज थी, इन प्रेसिडेंसीज को उन्होंने बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया, अर्थात ये दोनों यानी बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे अब अपने कार्यों के संबंध में किसको रिपोर्ट करेंगे? बंगाल, ठीक, या कलकत्ता जिसे आप कह रहे हैं, तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनके अधीन, ठीक है। इसके द्वारा एक और काम किया गया, क्या किया गया? तो पहले जो गवर्नर थे है ना, उन्हें क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। भाई जब पद बढ़ा तो उन्होंने कहा नाम भी बढ़ा कर दिया जाए। तो पहले जो गवर्नर थे यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। और पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ। ये दो बिंदु सबसे अधीन पूछे जाते हैं, सबसे अधिक परीक्षा में दोस्तों। पहला तो एक ये पूछा जाता है कि किस गवर्नर, किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तथा किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय
की स्थापना की गई। कब की गई यह स्थापना? यह स्थापना 1774 में की जाती है दोस्तों। यहां पर कई बार ये प्रश्न जो है विवाद में भी फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? 1773 का तो एक्ट था, लेकिन कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। तो यहां प्रश्न के अनुसार आपको ध्यान देना है कि यदि यह पूछा जाए कि किस वर्ष में स्थापना हुई थी, तो स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो 1773 के एक्ट के द्वारा। हालांकि ये सर्वोच्च न्यायालय की अपील कहां होती थी? इंग्लैंड में स्थित जो प्रिवी काउंसिल थी, ठीक है, प्रिवी काउंसिल के यहां इस सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ क्या होती थी? अपील होती थी। इस सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 1+3, ठीक। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एम्पे। ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे उस समय सर्वोच्च न्यायालय में जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था, उसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे, ठीक है, ये सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, ठीक है। आइए अब अगला एक्ट देखते हैं कि अगला एक्ट इसके जो है कौन सा आया था। आइए अब देखते हैं हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, है ना, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कैसे संवैधानिक विकास को और आगे बल मिल रहा है, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। देखिए पहला कौन सा कार्य होता है महत्वपूर्ण? पहला कार्य तो महत्वपूर्ण यह होता है कि कंपनी का जो व्यापारी के एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। व्यापारी के एकाधिकार का अर्थ क्या था? कि जो कौन सी कंपनी आई थी, मैंने अभी पहले बताया था आपको, इंग्लैंड से आई थी एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था, व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने आई थी। उन्होंने व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने का अर्थ यह है दोस्तों कि जो मात्र अभी तक अधिकार मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था को थी, अब वह मात्र मर्चेंट एडवेंचर संस्था को ही नहीं रहेगी, अपितु किसको हो जाएगी? और भी संस्थाओं को हो जाएगी। मीन्स और भी जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो यदि भारत में आकर व्यापार करना चाहती हैं तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता है भारत में आकर व्यापार करने की, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहां एक चीज अपवाद रखा उन्होंने, क्या रखा? कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ जो व्यापार इनका होता था उस व्यापार को इन्होंने मात्र कंपनी के हाथों में ही रहने दिया। उन्होंने कहा कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक जो संबंध है हमारे, वह कंपनी यानी जो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह रहे हैं, वो इन्हीं कंपनी के पास ही रहेगा, ठीक है। बाकी उन्होंने क्या किया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्या हुआ परिणाम? और व्यापारी व्यापारियों के लिए जो है रास्ते खुल गए, ठीक। दूसरा काम क्या हुआ? मैंने आपको बता दिया कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस व्यापार को इन्होंने कंपनी के हाथों में ही रहने दिया, ठीक है। दूसरा काम हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर, ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी को भारत
आकर धर्म प्रचार की, धर्म प्रचार की आजादी दी गई। मीन्स उन्हें ये स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत में जाकर अपने धर्म के प्रचार प्रसार को कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह किया इन्होंने शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए का बजट निर्धारित किया। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, अपने लिए किया इन्होंने। क्यों किया? क्योंकि जो व्यापारिक कंपनियां थी, इनके जो अधिकारी और कर्मचारी इंग्लैंड से आते थे, उनके वेतन और उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा हो जाती थी कि कंपनी को कुछ प्रॉफिट नहीं बचता था। जिसके कारण उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों को ही शिक्षित करिए और उन्हीं को वहां पर रोजगार दीजिए, उनसे काम लीजिए और आप उनके बदले में उन्हें पेमेंट दीजिए। तो जो आदमी वहां से आकर काम करता था वो 100 रुपए लेगा, लेकिन वहीं का आदमी जब आप इम्प्लांट कर दोगे तो आदमी 10 रुपए में काम करने को तैयार हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को शिक्षित बनाने के लिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया, शिक्षा पर सालाना 1,00,000 रुपए तक खर्च करने का बजट जो है इन्होंने निर्धारित किया, प्रावधानित किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट जब आता है तो इसमें सबसे पहला काम क्या किया, जो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपने पढ़ा कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का अर्थ दूसरी कंपनियों को भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई। लेकिन एक काम यहां पर हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या किया था, चाय और जो चीन का व्यापार था, चाय और चीन के साथ जो व्यापारी के एकाधिकार थे वो कंपनी के पास ही थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा उन्होंने पूरी तरीके से व्यापारी के एकाधिकार समाप्त कर दिया, पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जब प्रश्न आए कि पूर्ण रूप से समाप्त किया गया, तब हमें 1833 का चार्टर एक्ट बताना है, और जब यह पूछा जाए कि आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे जो है वो समाप्त किया गया था। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही क्या किया इन्होंने, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, है ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने क्या किया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मैंने आपको बताया प्रारंभ में ही कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बंबई और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने अपने गवर्नर थे, लेकिन बाद में 1773 के द्वारा इन्होंने क्या किया, 2 प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अधीन कर दिया, यानी बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया, और जो गवर्नर जनरल गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए। अब इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल बनता कौन है दोस्तों, जब बंगाल की गवर्नर जनरल को पूरे भारत का बना रहे हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहीं पर आप इसको लिख लीजिएगा, लॉर्ड विलियम
बेंटिक महोदय जो है वह भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। किस एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण काम इस एक्ट के द्वारा होते हैं। ठीक है, दूसरा एक और काम हुआ जो सरकार के द्वारा आधिपत्य जो भारतीय भूभाग था, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय भूभाग कब्जा कर रखा था उसे क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य भूभाग। ब्रिटिश आधिपत्य भूभाग कहा जाने लगा, भूभाग कहा जाने लगा। किस जमीन को कहा जाने लगा? जो सरकार द्वारा जो है वो कब्जा की गई थी। ठीक, एक और काम हुआ जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उस परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। हालांकि ये विधि सदस्य जो नियुक्त किया गया था यह सीमित अधिकारों के साथ किया गया था, अर्थात इस विधि सदस्य को किसी भी प्रकार से ना तो वोट करने का अधिकार था ना ही किसी तरीके से अन्य कोई अधिकार थे। तो यानी सीमित अधिकारों के साथ जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती, और वो विधिक सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले साहब थे। ठीक है, पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले साहब थे जिनकी नियुक्ति की जाती है इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं 1853 का। देखिए शासन जो है दोस्तों यहां पर 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक, आप देखते जाएंगे शुरुआत से ही तो आपको मिलेगा 1813 फिर 33 फिर 53, है ना, 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो लाया जाता है दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट यह लाया जाता है लॉर्ड डलहौजी की प्रेरणा से, लॉर्ड डलहौजी की प्रेरणा से। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, प्रेरणा से, इनकी प्रेरणा से ये लाया जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? व्यपगत नीति, राज्य हड़प नीति जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते थे? भारतीय जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन्हें कुशासन के आधार पर या उन्हें किन्हीं किन्हीं आधारों पर क्या करते थे? अंग्रेजी शासन में मिलाने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो ये किसकी प्रेरणा से 1853 का चार्टर एक्ट आया? ये आया जो है 1853 के द्वारा। दूसरा काम हुआ कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए, कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रारंभ किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रारंभ किया गया। मींस जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या किया गया? उन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है वह घोषणा की गई और प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रारंभ किया गया। इसी एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया? पहले विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया, विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक है, विधायिका यानी विधायी जो कार्य थे उन्हें और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग करने का प्रयास जो है वह किया गया। किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रयास किया गया। इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया? जो कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां थी,
व्यापारिक गतिविधियां। तो व्यापारिक गतिविधियों से इन्होंने अपना ध्यान, व्यापारिक गतिविधियों से ध्यान हटाकर साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देना शुरू कर दिया इन्होंने, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई इन्होंने। और साम्राज्य विस्तार की नीति कैसे अपनाई, डलहौजी की राज्य हड़प नीति आती है, बेलेजली की जो है सहायक संधि आती है, इन तमाम सिद्धांतों के द्वारा इन्होंने क्या किया, तमाम सिद्धांतों के द्वारा अंग्रेजों ने जो कंपनी का व्यापारिक स्टेटस था, व्यापारिक जो इनका सिंबल था, उस व्यापारिक सिंबल को हटाते हुए इन्होंने पूरी तरीके से प्रशासनिक ढांचे में बदल दिया और कंपनी को की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उन्हें समाप्त करते हुए क्या किए दोस्तों, उसके बाद इन्होंने साम्राज्य विस्तार पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। और जिसमें सबसे ज्यादा सहायक क्या हुई, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ठीक है, यहां तक तो दोस्तों हमने देख लिया क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भारतीय संविधान का विकास हुआ। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्राउन के अधीन कैसे हमारे भारत का जो है वो संवैधानिक विकास होता है। ठीक है, चलने से पहले आपको एक बार और सूचना दे दें कि संस्था की तरफ से लगातार आपके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी लॉकडाउन के बाद, क्योंकि हमें परीक्षा का इंतजार नहीं करना है कि डेट आए तो हम पढ़ेंगे। डेट आने पर दोस्तों समय आपको आयोग उतना ही देता है जितना आपको रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, तैयारी के लिए नहीं। तो सफल होना है तो अभी से ही अपनी मेहनत को, अपनी तैयारी को धार देना होगा। इसके लिए आप हमारे संस्था से जुड़िए, जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है इस पर आप एंट्री लेखपाल लिखकर भेजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।